मुझे राजनीति का स्तर जो इतना घिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके ऊपर हैरानी होती है कि एक समोसा जिसका नेशनल मुद्दा बना दिया गया, लोगों को जो इनके कार्यकाल में, जयराम सरकार की कार्यकाल में, जब कोई सरकारी मुलाजम अपने हक के लिए शिमला में डिमांड करता है या उसका कोई ऐसा विचार करता है, तो उसके ऊपर बिछौरों से, पानी की बिछौरों से उसको धकेल दिया जाता रहा। ये इतिहास में पहली बार हुआ। और यदि ये समोसा कांड की बात कर रहे हैं, तो इनका इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुआ था, उसमें 7 करोड़ की चपातियों का खर्चा आया, क्या ये उसको भूल गए? ये समोसे कांड के पीछे पड़े हुए और ये राजनीति का स्तर इतना गिरा रहे हैं, हमें शर्म आती है इस बात के ऊपर। सुदर्शन जी, अभी हाल ही में भाजपा ने, भाजपा कार्यालय, पार्टी कार्यालय जिसूर में विपिन परमार जी ने एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि कांग्रेस ने जो भी वायदे किए थे उसमें से एक तो 1500 का वादा था, गोबर का वादा था, अभी तो कोई भी वादा जो है पूरा नहीं कर पाई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो ये राजनीतिक चश्मा उतार के बात करें ना, क्योंकि जो हमारे 10 ग्रंटियां बोली थी उसमें से 5 ग्रंटियां जो है वो लोकार्पित कर चुके हैं। रही जो 1500 की बात, उसके लिए जो कुछ, जैसे लाहौल स्पीति जिला है वहाँ से उसका श्री गणेश कर दिया गया है और बाकी पूरे हिमाचल में चिन्हित किया जा रहा है, इसकी कोई ना कोई तरीका होता है। वो जो पात्र जो महिलाएं हैं उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है, जब जब पूरी हो जाएगी तो उनको भी 1500 रुपया उनके खाते में आ जाएगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब जब सत्ता में आए थे केंद्र सरकार में, तो इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, ये 15 लाख का वादा भूल गए और 1500 के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमने वादा किया है वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। सुदर्शन जी, इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है आप खुद जानते हैं कि इस समय कांग्रेस जो है एक तनख्वाह मुलाजिम को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है, पेंशन नहीं दे पा रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा तो हमारे किसी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि दीपावली के ऊपर सरकारी मुलाजम को पहली बार इतिहास में 25 तारीख को सैलरी दी गई है और पेंशनर के खाते में पैसे डाले गए। ये इतिहास में पहली बार सुबह सरकार में हुआ है। तो पहली बार तो यही भी हुआ है कि जो इससे पहले, जो दिवाली से पहले जो पेमेंट दी गई है वो 10 तारीख के बाद दी गई है, पेंशन जो 10 तारीख के बाद दी गई है। ऐसा है, कई बार सरकार में इतना बड़ा सरकार का बोझ है, उसको उठा के चलना है, उसमें कोई ना कोई खामी रह जाती है। उसको ठीक करने के लिए जब सरकार अपने इस अमलीजामे को देना, उसको मतलब दखलंदाजी करती है, तो उसमें कोई ना कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसके लिए प्रयासरत है। कांग्रेस में जो इस समय अंतर्कलह है उसके बारे में बताइए। कोई अंतर्कलह नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस एकजुटता से काम कर रही है और हमारी सरकार और संगठन में जो तालमेल है वो बना हुआ है। इसके प्रति बोलना, क्या बोलना है इसके लिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी भूमिका है वो उसको निभा रहे हैं और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं।